हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टोमलैंड। माय नेम इज सईद फरमान एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो नीट यूजी के लिए काउंसलिंग उसमें जो सीट प्रेफरेंस है, ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस जो रखनी है उसके बारे में आज बोलने वाला हूँ। ये जो पेज अभी खुला है ये जेके बोपी का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जेके बोपी का यहाँ पर जो ये एक शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ नीट यूजी लिखा है, ठीक। यहाँ पे इसमें ये ओपन करने के बाद आपको नोटिस मिलते हैं जिस पे आपको लिखा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी है। ये पेज आप ओपन करोगे, ठीक, तो ये आपको मिल रहा है, ठीक है। नीचे जो आप जाके नीट यूजी पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ें आपको मिल रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, मॉक एक्सरसाइज आपको 31 से 1 फरवरी तक है, एक्चुअल फिलिंग एंड फीस सबमिशन 2 फरवरी से 5 फरवरी तक है, ठीक है। तो ये सिंपल से यहाँ पर लिखा है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक। इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है इंस्ट्रक्शंस, क्लिक हियर टू लॉग इन, गेट नीट एप्लीकेशन नंबर, सीट मैट्रिक्स, गेट एक्टिवेशन लिंक, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सीट मैट्रिक्स पे जाएंगे तो सीट मैट्रिक्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा सीट मैट्रिक्स, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। सीट मैट्रिक्स में यहाँ पे जीएमसी जम्मू में आपको 180 सीट्स है, ठीक है। इसी तरह जीएमसी श्रीनगर में आपको 180 सीट्स है। इसी तरह जो सिक्किम्स हैं 125 सीट्स, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की सीट्स भी दिखाई गई हैं, ठीक है। कैटेगरी में कितनी है आपको, मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है, और यहाँ पे नीचे वो लिखा गया है, इंडिकेट किया गया है कैटेगरी को किस नाम से लिखा गया है, किस शॉर्ट फॉर्म से कैटेगरी को लिखा गया है, ठीक है। तो ये तो सिंपल चीज़ें खुद भी देख सकते हो आप, यहाँ पर आप गेस कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको आ सकता है, ठीक, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाला है, नीचे ओपन मेरिट ओएम उसको लिखा है, एससी के लिए शेड्यूल कास्ट मतलब है, ठीक है। तो सिंपल है, उसके बाद क्या करना है आपको, जाना है लॉग इन पेज में, जहाँ पे आपको लॉग इन करना है अपना नीट जो आपको दिया गया है बोपी पे जब रजिस्ट्रेशन किए, ठीक है, आपकी जो आपने बोपी में रजिस्ट्रेशन किए वो वाला खुल जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको करना है क्लिक ऊपर जो सबमिट का ऊपर जो बटन है सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर ये दिखा रहा है दिस इज़ मॉक एक्सरसाइज, ठीक, ओके करके आप एंटर करोगे मॉक एक्सरसाइज में, ठीक है। यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे आप, जो मैं जो यहाँ पे दो टाइप के हैं डिसिप्लिन अवेलेबल, यहाँ पे डिसिप्लिन असाइनड, असाइनड वाला अभी नहीं आएगा क्योंकि ये काउंसलिंग के बाद आएगा, रिजल्ट्स के बाद। अभी के लिए डिसिप्लिन अवेलेबल में आपको क्या करना है, एरो पे क्लिक करना है, ठीक। एरो पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको कॉलेज का लिस्ट मिल रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे एक ही अभी है, कौन सा, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, ठीक, लेकिन आपको पूरा लिस्ट मिलेगा क्योंकि मैंने मॉक एक्सरसाइज में इनको फिल किया है, मैं बताऊँगा कैसे फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको आता है एक यहाँ पे लेफ्ट पे आता, नीचे आप ओके जब आप करोगे तो आपको आएगा प्रीव्यू चॉइस, ठीक है। सपोज प्रीव्यू चॉइस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे आ रहा है, जो आपने प्रेफरेंस रखी है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब पहले जो आपने फिल किया है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद जो फिल किया है वो उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है आपके, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज कौन चाहिए पहले, उसके बाद कौन सा चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बैक करके यहाँ पे करेंगे, वापस जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो एरो पे, तो यहाँ पे आपको उसको फिल करना है, इस पर क्लिक करोगे तो ओके करोगे, और यहाँ पे जो राइट साइड एरो है इन पर क्लिक करोगे तो ये आपको आपकी जो लिस्ट है उसमें पहले आ जाएगा, या जहाँ पे आपने जिस नंबर पे आपने उसको रखा है तो वहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, मतलब पहला जिसको आप सिलेक्ट करोगे पहले वही आएगा, उसके बाद वही आ जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपकी जो नज़र है उसमें कौन सा अच्छा है, ठीक। ये करोगे तो यहाँ पे आपको अगर सेव एज ड्राफ्ट करोगे, उसके बाद ऊपर आपके लिए पेमेंट का बटन खुलेगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ी पे करना होगा, ठीक है। तो ये जो है ये इससे आप अपनी जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो आराम से, कोई भी ज़्यादा इसमें कोई मसला नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एक बार आपको ये मॉक एक्सरसाइज करनी बेटर है आपके लिए, ठीक। फिर से जाते हैं इस पर, तो आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, थैंक यू।